पहले इसाक डर गए, फिर हसन, फिर हुसैन। जो भी बाहर जाता है वापस नहीं आता। शरीफ फैमिली ने लंदन में फरारी कैंप खोला हुआ है। नवाज शरीफ भी अगर बाहर से ही इलाज करवाना चाहते हैं तो नैब से प्ली बार्गिन कर लें। नून लीग अपने कायद की सेहत पर सियासी खेल खेल रही है। सेहत की सियासत पर एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। वजीर तलाक फवाद चौधरी की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत इलाज की तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। नवाज शरीफ असल में इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। किसकी कितनी जिंदगी है ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला अदालतों ने करना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, क्या नवाज शरीफ को अपने और भाई के बनाए अस्पतालों पर एतबार नहीं? क्या शरीफ बिरादरान 30 साल में एक अस्पताल भी ना बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके? नवाज शरीफ के इलाज में कोताही का हुकूमत को जिम्मेदार करार देने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ को जवाब। इमरान खान ने हमेशा अपना इलाज शौकत खानम से करवाया। नवाज शरीफ को रिहा करो, लीगी कारकुनों का पार्टी कायद से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब हुकूमत से साबिक वज़ीर आज़म को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी वज़ीर रेलवे के बयानबाजी से तंग। शेख रशीद के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। पार्लियामानी लीडर हसन मुर्तजा कहते हैं अब शेख रशीद को कोई माफी नहीं मिलेगी। साबिक हुक्मरान सारा खजाना लूट कर ले गए, आने वाली हुकूमत को मफलूज किया गया। हमाद अजहर की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। बोले एलडीए के प्लॉटों पर कब्जे करवाए गए। वजीर मुमलिकत ने सब्जाजार एल ब्लॉक में ट्यूबवेल का इफ्तिताह भी किया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज, इरशाद अहमद डोगर, काउंसलर मोहम्मद शाहिद भट्ट, बाबर खान और इलाके के सरकदर शख्सियात की शिरकत। PSL 4 लाहौर में भी शोर। पिशावर जलमी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान फाइनल जारी। बच्चे और बड़े बड़ी स्क्रीनों के सामने जम गए। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी पार्क में बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखने में मगन। हर बॉल पर दिलों की धड़कनें तेज। डिप्टी कमिश्नर भी फैमिली के हमरा मैच देखने के लिए मौजूद। कौन उठाएगा चमचमाती ट्रॉफी, पेशावर जलमी या कोयटा ग्लैडिएटर्स? पेशावर जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की अपनी अपनी जीत के दावे। कोई पेशावर जलमी का सपोर्टर तो कोई कोयटा ग्लैडिएटर की जीत के लिए दुआगो। वॉटसन, कामरान अकमल, डेरन सैमी और हसन अली पर सबकी नजर। घर को आग लग गई घर के चिराग से। बरकी में 4 साल बच्चे के अगवा के बाद कत्ल का ड्रॉप सीन। सगे मामू ने घरेलू रंजिश पर 4 साल भांजे वलीद को साथी के साथ मिलकर जिंदा BRB नहर में फेंका। बच्चे का मामू इमरान, खातून हिना और साथी सुलेमान गिरफ्तार। मुलजमान की निशानदेही पर लाश नहर से बरामद। भत्ता वसूली बंद करो, अवामी रिक्शा यूनियन पर्ची माफिया के खिलाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर। ढोल की थाप के साथ शदीद एहतजाज। भत्ता माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। पर्ची माफिया को काबू किया जाए, चेयरमैन यूनियन मजीद खान। वापडा टाउन में 16 साल तालिबे मोहम्मद माविया ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद माविया लाहौर में जेर तालीम, चचा के घर रिहाइश पजीर था। सॉरी फॉर मोहम्मद माविया, लाश के पास से मिलने वाले सफे पर तहरीर। कोट लखपत में मुस्तफा कॉलोनी का रिहायशी नौजवान मोहम्मद रियाज ट्रेन की जद में आकर जहां बहक। UET के बाहर से नौजवान की लाश बरामद। लाश की ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस का डर ना पकड़े जाने का खौफ। महारत से दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा और कार गायब। इकबाल टाउन जहां से ब्लॉक में चोर ने घर के बाहर खड़ी कार चोरी कर ली। वारदात के CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूम। काबिले इतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का इल्जाम। साबिक DIG जुनेद अरशद के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी। मुलजिम का मोबाइल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवाया है FIA।
शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकबाल, लाहौर न्यूज की काविशे रंग ले आई। फतेहगढ़ में नहर पार करने के लिए पुल का तामीराती काम शुरू, ट्रेनों की मदद से ब्रिज बनाने का काम जारी। पुल की तामीर से हादसात में कमी वाकई होगी। नसीराबाद के कैथोलिक चर्च में खसूसी तकरीब, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और MD बैतुलमाल और अब्बास की शिरकत। बैतुलमाल की जानिब से 108 मुस्तहिक मसीही घरानों में चेक्स और व्हील चेयर्स तकसीम। शफकत महमूद कहते हैं हुकूमत गुरबत के खात्मे की कोशिश कर रही है। शहर में मेडिकल स्टोर बेशुमार लेकिन क्वालिफाइड नहीं स्टाफ, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के अंबार। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने दो हफ्तों में ड्रग इंस्पेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी तौर पर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज की इंस्पेक्शन करने की हिदायत। आवाम महंगाई के घेरे में, सब्जी मंडियां हों या बाजार, रेट आसमानों पर। टमाटर 100 रुपए से तो नीचे आया लेकिन 90 रुपए पर लग गई ब्रेक। हंडिया की बुनियादी जरूरत लहसुन अदरक 166 रुपए फी किलो से कम नहीं रहा। प्याज आलू समेत तमाम मौसमी सब्जियां भी महंगी, चिकन की कीमतें भी कम ना हुई। रेट 241 रुपए फी किलो, शहरियों का रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। मुल्की तरक्की के लिए ज़राअत पर तवज्जो देना होगी, हुकूमत किसानों को फसल की बेहतर कीमत अदा करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवा का PC होटल में एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब। गवर्नर का न्यूजीलैंड में पाकिस्तानियों की शहादत पर भी दुख और गम का इजहार। क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी, शहदा की याद में मसीही बरादरी का इजहार यकजहती। बिहार कॉलोनी कोट लखपत में खसूसी दुआया तकरीब, सूबाई वजीर अकलियत तैमूर एजाज आलम, MNH नीला रूद की भी शिरकत। शहदा और मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ। लेक सिटी इंटरचेंज पर PHA की शजरकारी मुहिम, वजीर सहर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चेयरमैन PHA यासिर गिलानी के हमरा पौधा लगाया। दुनिया मीडिया ग्रुप के MD नवीद काशिफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताजियत, सियासी और समाजी शख्सियात की आमद। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर और IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फिकार ताजियत के लिए पहुंचे। सीनियर तज्जियाकार हसन निसार, डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, एजाज हफीज, हाजी अल्ला रखा और दीगर शख्सियात भी पहुंचे। मरहूमा के इसाल सवाब के लिए फातह खानी और बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआएं। जश्न बहारा का रंगारंग मेला, PHA ने जिलानी पार्क में बर्ड शो सजा लिया। मुख्तलिफ रंग और इकसाम के परिंदे देखकर बच्चे बड़े सभी खुश, देसी पकवानों के स्टॉल्स पर भी रश। अलहमरा में इंटरनेशनल कलेंडरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर, पाकिस्तानी खाने सी फूड्स और मीठा बनाने के मुकाबले, 170 से जायद शख्स की मुकाबलों में शिरकत। वजीर इत्तला फवाद चौधरी भी शरीक हुए। मॉडल टाउन में सनती मेले का आखिरी रोज, शहरियों की मनपसंद खरीदारी, पेशावरी चप्पल और हाथ से बने कपड़े खातीन की तवज्जो का मरकज। खाने पीने के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश, मेले में मौसीकी का भी खूब तड़का। और मास्टर पेंट्स ब्लैक ने कैपिटल स्मार्ट सिटी पोलो कप जीत लिया। FG पोलो की टीम को 5-6 से शिकस्त। वफाकी वजीर बराए तिजारत हमाद असर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद पोलो मैच से लुत्फ उठाती रही।